हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, एक शानदार एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी मुफीन ग्रीन फाइनेंस के ऊपर एक धमाकेदार न्यूज़ आई और शेयर में लगा हुआ है अपर सर्किट और अभी भी 25,000 शेयर्स एमओ में लगे हुए हैं बाइंग के लिए। क्या न्यूज़ आई है, आइए जानते हैं। मुफीन ग्रीन फाइनेंस जो कि लगातार तेजी में रहता है, कुछ दिनों से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट हुई और शेयर में करेक्शन हुआ, बट ये न्यूज़ आने के बाद शेयर घूम गया और अभी लगातार अपर सर्किट में जा सकता है। आप इस कंपनी को स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 12 मार्च मंगलवार को होने वाली है। किस मैटर में डिस्कस करने के लिए, फंड रेजिंग को डिस्कस करने के लिए कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है ECB के ज़रिए। एक्सटर्नल बोरोइंग जो है उसके ज़रिए कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है और एनी अदर वे से कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है। तो फंड रेजिंग की मीटिंग 12 मार्च को शेड्यूल की गई है। इस न्यूज़ के कारण शेयर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का थर्सडे को रेट था 196 रुपीज़ और 52 वीक हाई था 274 रुपीज़। काफ़ी अच्छे रेट पर करेक्शन पर मिल रहा है। RSI ओनली 40 का है और अभी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी टर्न अराउंड हुआ है, तो यह शेयर भी लगातार अपर सर्किट में जा सकता है। कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आते हैं। 230 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, उसके बाद में सितंबर में प्रॉफिट 4 करोड़ का था और अभी दिसंबर 23 में 4 करोड़ 55 लाख का था। कंपनी फंड रेजिंग कर रही है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छे जो है लोन बुक है और इसी के कारण मुफीन ग्रीन फाइनेंस ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा शेयर है और लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो है अपर सर्किट लगे और मंगलवार को धमाकेदार न्यूज़ आएगी कंपनी की ओर से, तो और भी अपर सर्किट ये कंटिन्यू रह सकते हैं। आप भी मुफीन ग्रीन फाइनेंस को स्टडी करके इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हो, जो कि लगातार अपर सर्किट में अभी शेयर रह सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।